अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची एक्सपो सेंटर के अंदर और ये है कंज्यूमर हेल्थ एक्सपो जिसका 9th एडिशन है और इस मेले को सजाने वाले ई कॉमर्स वाले हम डॉक्टर खुर्शीद निज़ामी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो दिन रात मेहनत करते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं एक से एक बड़ी दिलचस्प उनकी एग्जीबिशन यहाँ पर लगती हैं। उनकी एग्जीबिशन से यही एक प्रोडक्ट जो है जिसमें हम बैठे हुए हैं कंज्यूमर हेल्थ एक्सपो जिसका ये 9th एडिशन है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टॉल है ज़करिया ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से और ज़करिया सोप है जिसमें डिटर्जेंट हैं, पाउडर हैं, सोप्स हैं, केमिकल्स हैं, इस तरीके से बहुत सारी यानी मसनूआत हैं इसके अंदर और ये कराची एक्सपो के अंदर हैं और हम चाहते हैं कि कल का आखिरी दिन है और आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मार्केट प्राइस से 50% पर यहाँ पर रियायत दी जा रही है और ये ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जो आपको, ख़ास बात इसकी ये है जो किसी भी पाउडर में नहीं है, जो किसी भी पाउडर में नहीं है वो ये है कि ये खारे पानी में जितना चाहे इस्तेमाल करें और ये उसी तरह इस्तेमाल होता है जितना मीठे पानी के अंदर होता है। बाकी तमाम डिटर्जेंट पाउडर फेल हैं जो ना खारे पानी में चलते हैं, ना भारी में, ना ठंडे पानी में, और वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं और पैसे ज़्यादा होते हैं और कीमतें भी इस प्रोडक्ट से 4 गुना ज़्यादा कीमत है इसकी और ये मतलब उससे 4 गुना सस्ता है और दूसरे प्रोडक्ट 4 गुना ज़्यादा कीमत रखते हैं इससे। तो हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि कल आप आएँ, कल इसका आखिरी दिन है, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं और इस एक्सपो के अंदर और भी बहुत से लोग हैं, बेशुमार यहाँ पर ख़वातीन और रश उनका है क्योंकि कंज्यूमर की है, घरेलू मसनूआत की प्रोडक्ट्स हैंगी और यहाँ पर बेशुमार स्टॉल लगे हाल नंबर 5 के अंदर मौजूद हैंगे। गेट से इंटर होते ही लेफ्ट साइड पर हमारा 3rd नंबर का स्टॉल हैगा और यहाँ पर मतलब हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि आप आएँ, विजिट करें और यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मेरा नाम अब्दुल्ला तारिक है, हमारी कंपनी का नाम AK इंडस्ट्रीज़ है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सोप्स, डिटर्जेंट्स और हाउस होल्ड क्लीनिंग आइटम। हम लोग का ऑलमोस्ट पाकिस्तान के अंदर 40 ईयर्स से बिज़नेस का एक्सपीरियंस है और मैं तो खुद 3rd जनरेशन हूँ और हम लोग के जो ब्रांड्स हैं ये मार्केट में पिछले 10 से 12 साल हो चुके हैं। लॉन्ड्री सोप हो गया ज़करिया सोप के नाम से, ज़िक्के के नाम से वॉशिंग पाउडर है, विंटर के नाम से हमारा ब्रांड है जिसके अंदर वॉशिंग पाउडर और ब्यूटी सोप, नहाने का साबुन जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है हमारा। ये टीवी वगैरह के जो एड्स हैं इट कम्स विद अ कॉस्ट, इसके अपनी एक खर्चे अखराजात होते हैं, तो हर ब्रांड की पोजिशनिंग और उसके हिसाब से वो लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं। हमारा हालांकि फेसबुक पे पेजेस हैं, सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव हैं, हमारा दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेते हैं, कराची के अंदर डिलीवरी भी करते हैं क्योंकि हम लोग कराची बेस्ड हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर अब हमारा प्लान है कि हम लोग डिफरेंट मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया आप कह लें या टीवी एड्स कह लें उसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह मूव करेंगे। लेकिन जी इन्होंने अच्छी ऑडियंस यहाँ पे डेफिनेटली पुल करी है और करंटली जो दुनिया के हालात चल रहे हैं और मुल्क के अंदर भी आई बिलीव के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए जगह है और अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पे बहुत से और भी ब्रांड्स हैं जिनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और वो पब्लिक जब यूज़ करेगी, वो अपना रिस्पांस देगी तो ही ये ब्रांड्स आगे मार्केट में और जाएंगे। तो आई बिलीव ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इस एक्सपो के अंदर के बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं यहाँ पे जिनका नहीं मालूम था और आज पता चला है कि ये सारी चीज़ें बन रही हैं। आप ख़ुद नहीं भी बनाना चाहते तो आप किसी से बनवा भी सकते हैं। तो इस तरह की एग्जीबिशंस होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए और बाकी पब्लिक को भी, कंज्यूमर्स को भी चाहिए कि लोकल ब्रांड्स को डेफिनेटली प्रायोरिटी दें ताकि पाकिस्तानी ब्रांड्स, लोगों को आदत लगे पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ करने की, क्योंकि कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पर। हमारा वॉशिंग पाउडर की ख़ास बात यह है कि ये खारे पानी में भी काम करता है और मीठे पानी में भी करता है, ठंडे पानी में भी करता है। क्योंकि हम लोग का कराची के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारी जब टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की तो हम लोग उसको हर तरह के डिफरेंट आप कह लें सॉइल्स के स्टेन्स के ऊपर भी टेस्ट करते हैं, पानी के ऊपर भी टेस्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें मालूम है कि इस तरह के इश्यूज हैं कराची के शहर के अंदर कि अलग अलग डिफरेंट पानी है, किसी के घर मीठा पानी आ रहा है तो किसी के घर खाना पानी से डुल रहे हैं। तो ये एक बड़ी टेस्टिंग है जिसको हम लोग प्रायोरिटी देते हैं और ये टेस्टिंग करते हैं हम लोग बिल्कुल, और खारे पानी के अंदर भी काम करता है, मीठे पानी में भी करेगा, इसकी हमारी गारंटी है। नहीं, कराची के अलावा हम लोग ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारा KPK के अंदर भी कुछ जगह पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बलूचिस्तान में भी जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया खारे पानी में काम करते हैं तो कोस्टल बेल्ट के बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे समंदरी पानी से लोग मेरे ख्याल से कपड़े धोते होंगे, तो वहाँ पे भी विंटर वॉशिंग पाउडर और ZK वॉशिंग पाउडर का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, अवेलेबिलिटी भी है और कराची शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है और मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करे जा रहे हैं।
तो सून आपको काफ़ी जगहों पे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मिलेगी। जी बिल्कुल, एक्सपो लगनी चाहिए, इस तरह की इवेंट्स के अंदर हिस्से लेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, अपना मैसेज पहुँचाएँगे, अपनी ब्रांड की ऑफरिंग्स पहुँचाएँगे, तो ये एक हर बिज़नेस के लिए बड़ा हेल्दी होता है, और इस तरह की एग्जीबिशन इतने बड़े पैमाने पर हों तो बिज़नेसेस को फ़ायदा है हमारे जैसे बिज़नेस। डेफिनेटली ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि आप लोग पाकिस्तानी ब्रांड्स को ट्राई करें, आप लोग सपोर्ट करें। दुनिया के अंदर हर मुल्मालिक में ये ट्रेंड होता है कि उनके अपने प्रोडक्ट जो हैं उनकी पब्लिक जो है उनको पहले प्रायोरिटी देती है, और उनको ये खुशी होती है कि हमारे मुल्क का प्रोडक्ट है तो हम लोग यहाँ भी यूज़ करेंगे, बाहर भी लेके जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करें, और ताकि यहाँ की जो इंडस्ट्री है और यहाँ के बिजनेसेस हैं वो ग्रो कर सकें, और जब ग्रो करेंगे उसी से सीखते भी हैं, आप लोगों के फीडबैक से कंसिडरेशन में लेंगे, उनको इम्प्रूव भी करेंगे अगर कोई कमी पेशी होती है, तो वो जब तक लेंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। तो आप लोग डेफिनेटली बाय करें और सपोर्ट करें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। देखिए प्रोडक्ट्स बहुत मार्केट कम्पेटिटिव हैं, हम लोग यहाँ पे एज अ समझे प्रमोशन भी कर रहे होते हैं, बट लेट्स से अगर एक साबुन जो है 70 रुपये का है तो यहाँ पे कस्टमर आया हुआ है, एक इवेंट एंजॉय करा तो उसको एज अ कंपनी की तरफ से कुछ 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, बट कोशिश ये होती है कस्टमर को प्राइसेस से आगाह करें, उनको मालूम होनी चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे बाहर जाके दुकानों पे बहुत महंगा मिल रहा है, तो प्राइसेस हमेशा एक्चुअल प्राइसेस ही बताई जाती हैं, और सिंस इतनी जगह पे लोग आए होते हैं और कंपनी प्रमोशंस कर रही होती हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह दे दिया जाता है। अगर वो मायूस लौट रहे होंगे तो उनको चाहिए कि उस दुकान वाले या जिस भी स्टोर पे जाएं उनको इस चीज़ का ज़रूर मेंशन करें, अगर नहीं है तो हमारे मुख्तलिफ मीडियम्स हैं जिन पे वो लोग रीच आउट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया ऑनलाइन का भी दौर है, दराज के ऊपर भी ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारी कंपनी के थ्रू भी कैश ऑन डिलीवरी होती है, मिनिमम ऑर्डर के ऊपर हम लोग फ्री डिलीवरी भी देते हैं, तो प्रोडक्ट मिलेगा और मार्केट्स में भी इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी है, और इंशाल्लाह कस्टमर मायूस नहीं होगा।